ये इंसान ईंट और पत्थर क्यों खा रहा है? क्या आपने पहले कभी इतनी बड़ी चींटी देखी है? और भारत के इस बंदे को अमेरिका के स्कूल्स में पढ़ाया क्यों जा रहा है? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, ये है कर्नाटका के रहने वाले 30 साल के पक्कीरप्पा हुनागुंडी। जैसे आप दिन में 3 टाइम खाना खाते हो, वैसे ही दिन में 3 टाइम ईंट और पत्थर खाते हैं। ये हर दिन एक पूरी ईंट खाते हैं और 2 किलो कंकड़ और पत्थर खाते हैं। जब पक्कीरप्पा 10 साल के थे तब से उन्होंने खाना शुरू किया और उसके बाद उन्हें अच्छा लगने लगा और आज 20 साल हो चुके हैं जब से वो इन चीजों को खा रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं पीका। इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसे ऐसी चीजें खाने में मजा आता है जो खाने के लिए नहीं बनी है। फैक्ट नंबर 9, ये है बिग बट एंट्स। ये है दुनिया की सबसे बड़ी चींटी। ये पाई जाती है साउथ अमेरिका के देशों में। ये एक चींटी एक कॉकरोच के बराबर होती है। कोलंबिया के लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। जैसे हम पिज्जा के ऊपर पनीर डालते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग पिज्जा के ऊपर इस चींटी को रोस्ट करके डालते हैं और मजे से खाते हैं। फैक्ट नंबर 8, मिलिए आसाम के रहने वाले जादव पायंग से। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बंदे ने अकेले अपने दम पर पिछले 40 सालों में बंजर जमीन के ऊपर एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया है और उनकी इसी अचीवमेंट की वजह से अमेरिका के स्कूल्स में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, एक ऐसा बंदा जिसने 24 लाख लोगों की जान बचाई। कैसे, बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जेम्स हैरिसन 13 साल के थे जब उनकी चेस्ट सर्जरी के लिए बहुत खून चाहिए था, लगभग 13 लीटर खून। और उनके इस ऑपरेशन के सफल हो जाने के बाद जेम्स ने ये कसम खाई कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो उसके बाद बहुत खून डोनेट करूंगा। और फिर जब जेम्स ने पहली बार खून डोनेट किया तो फिर एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आया। पता चला कि उनके खून में ऐसा प्लाज्मा कंपोजिशन है जिसकी वजह से रेसिस नाम की डिजीज को सही किया जा सकता है। और फिर इसके बाद जेम्स ने लगातार ब्लड डोनेट करना चालू रखा और अब तक लगभग 1000 बार वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं जिसकी वजह से 24 लाख बच्चों की जाने बच पाई है। फैक्ट नंबर 6, वैसे हम बोलते हैं कि जो गंगा नदी है वो हमारी माता है, लेकिन क्या हम सच में दिल से गंगा को अपनी माता मानते हैं? क्योंकि एक फैक्ट है जो इस बात के खिलाफ है। पूरे इंडिया में गंगा के पास जितने भी शहर हैं उनमें से 70% शहर जितनी भी शहर की गंदगी होती है सीधे गंगा में डाल देते हैं बिना प्यूरिफाई किए। अगर हम वाकई में गंगा को अपनी माता मानते तो ना हम गंगा को इतना गंदा करते और ना ही सरकार की हिम्मत होती कि बिना पानी को प्यूरिफाई किए सीधे काली गंदगी गंगा के अंदर डाली जाती। फैक्ट नंबर 5, रशिया में एक बीच है उसूरी बे नाम का। आज से बहुत साल पहले इस बीच के पास शीशे के बॉटल्स की फैक्ट्री थी जिसकी वजह से बहुत सारी शीशे की बॉटल्स ऐसे बीचेस पर पड़ी रहती थी जो कि देखने में बहुत बेकार लगता था। लेकिन कई सालों तक समुद्र की लहरों से टकराने के बाद वो सारी की सारी बॉटल्स अब ऐसे छोटे छोटे गोल पत्थरों में कन्वर्ट हो गई है। मतलब जो इंसानों ने गंदगी फैलाई थी नेचर ने उसको भी इतना सुंदर बना दिया है। अब उस बीच को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर वहां पर पड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में अगर कहीं भी डायनासोर मिलता है तो उस पर सरकार का हक होता है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। अगर यूएसए में आपके घर के नीचे या आपके गार्डन के नीचे डायनासोर का कंकाल मिलता है तो वो सरकार का नहीं होगा, वो आपका होगा। फिर आपके ऊपर है कि आप उसे रखना चाहते हो, बेचकर पैसे कमाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। फैक्ट नंबर 3, भूतों की मूवी के सीक्रेट के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भूतों की मूवीज में एक ऐसी आवाज का यूज किया जाता है जिसे आप सुन नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो, और उन आवाजों का नाम है इंफ्रासाउंड। ये ऐसी फ्रिक्वेंसी की आवाजें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं। देखो, इंसान के कान केवल 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवाजें सुन पाते हैं, लेकिन ये जो आवाजें होती हैं ये 19 हर्ट्ज से कम की होती हैं। इसलिए जब भी भूत की मूवी में खतरनाक सीन आता है, बहुत साइलेंस होता है, तब कोई आवाज नहीं आ रही होती लेकिन आपको फिर भी डर लग रहा होता है क्योंकि ये म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा होता है। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, हम सब ने लैला मजनू की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कहानी में मजनू का नाम कैसे पड़ा? कई सदियों पहले की बात है, लैला नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, सऊदी अरेबिया में रहती थी और उसी के बगल में देश है यमन। वहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम था कैश। अब कैश लैला से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो हमेशा यमन से सऊदी आ जाता था, लेकिन सऊदी अरेबिया के लोग उसे हमेशा मारकर वापस भेज देते थे। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता था और फिर किसी दूसरे रास्ते से आता था, लेकिन फिर से मार खाकर वापस जाता था। और ये इतना खतरनाक वाला जिद्दी था कि एक बार तो ये समुद्र में तैरते हुए गया सऊदी और फिर वहां से मिलने के लिए गया लैला के पास, लेकिन फिर से ये पिटाई खाकर वापस दोबारा आया। तो सऊदी अरेबिया के लोग इसका मजाक उड़ाने लगे कि ये पागल है क्या, हर बार पिटाई खाने के आ जाता है यहाँ पे और भग लेता है यहाँ से। तो सारे लोग उसे चिढ़ाने लगे कि तू तो पागल है, तू तो पागल है। और अरेबिक में पागल को बोलते हैं मजनू, और इसी वजह से लैला और कैश की लव स्टोरी को बोला जाता है लैला मजनू की कहानी। फैक्ट नंबर 1, अभी अभी हुई साइंटिफिक स्टडीज में ये पता चला है कि
जो लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं तो जैसी वो भाषा चेंज करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटीज भी चेंज हो जाती हैं, और ये सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है, उन्हें पता नहीं चलता इस बात का। जैसे हमारी किसी भी आदत का एक ट्रिगर होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने अलमारी खोली और हमें गलती से मैगी दिख गई वहां पे, तभी हमारे दिमाग में होता क्या है कि मैगी का स्वाद घूमने लगता है और हमारा मन करता है कि हम मैगी बनाएं और खाएं। अगर उस समय हमें वो मैगी दिखती नहीं तो हमें विचार आता ही नहीं। सेम ऐसे ही भाषाएं भी हमारे दिमाग में ट्रिगर की तरह काम करती है। जब भी आप अपनी मातृभाषा में बोलोगे तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, जब भी आप दूसरी तीसरी भाषा में बोलोगे जो आपने सीखी है तो आपकी पर्सनैलिटी अनकॉन्शियसली चेंज हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।